हमारा जो आजू बाजू वाले या पूरा ऑल महाराष्ट्र ऑल इंडिया लेवल के ऊपर हर लोगों को उनके माध्यम से कई लेडीज खुद के पाव के ऊपर आज खड़ा हुई है, बराबर है। तो डीएक्सएल के अंदर उन्होंने 2006 से चालू किया, अभी तक उनके बारे में मैं जितना बोलूंगा तो आधा घंटा जाएगा। तो उन्हीं से जो मार्गदर्शन हम लोगों को मिलेगा, इस मार्गदर्शन से हम लोगों को पता चलेगा क्या कौन सी लेवल से आप उन लोग आगे गए। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए हमारे जो गेस्ट है विशाखा पवार मैडम, हम खड़े होके जोरदार तालियां बजाकर उनसे स्वागत कर लिया, जोरदार तालियां। विशाखा प्रशांत पवार मैडम मुंबई से, थैंक यू। मी मैडम ना या ठिकाणी आपल्याला थोडा मराठी मध्ये पण बोलतो, मॅडम तर हिंदी आणि इंग्लिश मध्ये त्यांचा स्पीच घेतील, त्यांना मराठी पण येते, पण ते चांगल्या प्रकारचं आपल्याला डीएक्सएल मध्ये हेल्थ मिळेल आणि हॅपीनेस कसा मिळेल आणि आमच्या सर्व लोणावळाचा परिवार त्यांना सगळा आरोग्य पैसा आणि सुख समाधान हे मिळो त्यांच्या माध्यमातून, तर त्यांना मी या ठिकाणी माईक हँडओव्हर करतो आणि परत एकदा थँक्यू आपल्याला सगळ्यांना बोलतो आणि मॅडमना सुद्धा वेळेवर आल्या। गुड मॉर्निंग, मला विचारायचं मराठीमध्ये किती जणांना चालेल, हात वरती करायचा, हिंदी रॅशनली मराठी हवंय का हिंदी हवंय, हिंदी चलेगा, फाईन फाईन, यू आर कम्फर्टेबल। गुड मॉर्निंग डीएक्सएल, गुड मॉर्निंग। मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा आगे आ जाए ताकि बाद में आने वाले लोगों को हम पीछे वाली सीट दे सके। सो कम इन फ्रंट, द ऑल हु आर सिटिंग बिहाइंड जस्ट कम अप। बहुत प्लेजेंट मॉर्निंग है लोनावला की, आई वॉज सो हैप्पी जब स्टेशन पे उतरी तो इट वॉज अ नाइस ब्रीज, लग रहा था कि मैं थंड हवे ठिकाणी आ रही है, हिल स्टेशन पे हूँ ऐसे लग रहा था। सो इट्स थैंक्स फॉर अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपने दी है। थैंक्स गोज टू मिस्टर अनिल भोसले सर एंड मिसेस कंचन भोसले, उनके लिए तालियां होनी चाहिए। और हमारे साथ ग्रेट क्राउन अम्बेसिडर है यहाँ परगड़े दिग्गज असे आपले सर आहेत आणि खरंच भाग्य आहे की ते स्वतःहून आज देवकर सर इथे मीटिंगला आले, त्यामुळे अगदी टाळ्यांचा चांगला कडकडाट व्हायला काही हरकत नाही। माणूस अगर कोई व्यक्ति एक स्टेज पे पहुंचता है तो उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते, आसानी से नहीं होता है, वो मिट्टी में हाथ डाल के वो कुंभार का घड़ा भी बनना पड़ता है और वो किसान होके धान भी लगाना पड़ता है। आज का जो प्लेटफॉर्म है बहुत अलग है, और कोरोना के बाद का जब ऑफलाइन पे हमने जब मीटिंग शुरू की तो थोड़ा वो अचरज था, एक अलगपन था। ऑनलाइन में तो बहुत मीटिंग्स की, लेकिन ऑफलाइन में वापस आने के लिए इट टुक लिटिल टाइम, थोड़ा वो एक गैप हमको भरना पड़ा। जैसे अभी वो शुरू हो रहा है, वी आर रियलाइजिंग पीपल आर इंटरेस्टेड, लोगों को अच्छा लग रहा है एक दूसरे को मिलने के लिए, बराबर है। एक बैंक में एक बंदा काम करता था, आपके लिए सबके लिए होमवर्क है, ओके। ये बंदा जब काम कर रहा था तो लगभग 25-30 के उम्र का था और उसको सैलरी भी उतनी उस हिसाब से मिल रही थी, लेकिन उसने देखा अगर मुझे सपने पूरे करने हैं तो ये सैलरी में मैं सपने पूरे नहीं कर सकता। और उस बैंक में बहुत सारे दिग्गज अपने पैसे लगाते थे, इन्वेस्टर आते थे, बिजनेसमैन आते थे, व्यापारी आते थे, बड़े बड़े लोग आते थे और अपनी बड़ी बड़ी पूंजी उस बैंक में रखते थे। वो बंदा बहुत अचरज में था, मैं तो इतना सैलरी बैंक में हूं, सैलरी कमा रहा हूं, लेकिन ये इनका जो बड़ा अमाउंट हमारे बैंक में डिपॉजिट कर रहे, मैं वैसे अमाउंट कैसे डिपॉजिट कर पाऊंगा। तो उसने थोड़ा स्टडी करना शुरू कर दिया कि ये व्यापारी पैसा कहां से ला रहे,
तब उसको समझ में आया ये पहले तो जॉब नहीं कर रहे, कोई जॉब भी कर रहा है तो उसके साथ कुछ तो कर रहा है। फिर ही स्टार्टेड लर्निंग एंड स्टडिंग अबाउट इट, और फिर उसको समझ में आया सिर्फ 9 घंटा 10 घंटा लेके मुझे मेरे सपने नहीं पूरे होंगे। ही स्टार्टेड रियलाइजिंग कि बिजनेसमैन करते क्या है, तो उसको समझ में आया पूरे वीक में ये सिर्फ 3 दिन काम करते, फ्राइडे सैटरडे संडे, और उनका पैटर्न उन्होंने स्टडी करना शुरू कर दिया। और यू वोंट बिलीव कि जब वो 40-45 तक पहुंचा था ही बिकेम अ रिच पर्सन, उस वक्त उसने जॉब छोड़ दी थी, एक अच्छा खासा अमीर बन गया था, लेकिन फिर भी उसका समाधान नहीं हो रहा था बिकॉज ही वॉन्टेड टू रीच सच अ स्टेज। जैसे आज संतोष देवकर सर है, क्राउन एम्बेसडर है डीएचएल में, वो अपर स्टेज पे वो पहुंचना चाहिए था, उसको वो आजादी चाहिए थी, उसका वो सपना पूरा करने की ताकत चाहिए थी, और उस वक्त उसकी उम्र पहुंच गई थी 45 से 50 तक। यहां पे थोड़ा सा जहाज हिलने को शुरू हो जाता है बिकॉज योर हेल्थ इज स्टार्टिंग थोड़ा उधर, पैर दर्द है, ये है, देन योर यू नो आइडियाज आपके थोड़े थोड़े कम होते जाते हैं। तब उसको रियलाइज हुआ कि मुझे आइडियाज भी चाहिए, थोड़ा नया विचार भी चाहिए, और मेरे साथ हम उम्र के भी लोग चाहिए, छोटे उम्र के, बड़े उम्र के, ऑल एजेस लोग चाहिए, तो क्या कर सकता हूं। क्या किया होगा उस आदमी ने, सिर्फ 3 दिन काम करना है, उसने क्या किया होगा, एनी गेस? कोई भी जवाब दे सकता है, इट्स ओके, आपको कोई फेल करने वाला नहीं है। एनी सजेशंस फ्रॉम योर एंड? It's a reality, yeah, tell me. Considering the topic we are speaking of today, yeah, he must have exerted himself in promoting the DXN, and possibly today he is a rich man because of that. Okay, part of it is right. He's the richest man of the world, reality mein, but not a part of DXN, but the idea we are going to take it from him. Usne ek island khareeda. एक आइलैंड खरीदा और वो आइलैंड पे फ्राइडे से संडे तक एक गेट टुगेदर अरेंज करता रहा, और उस गेट टुगेदर में वो फैमिलीज को इनवाइट करता रहा, एक ही जगह पे फैमिलीज आते रहे, एक दूसरे से आचार विचार प्रदान करते रहे, दे शेयर द आइडियाज, दे शेयर मेनी थिंग्स ऑन दैट। इसमें एक फायदा हुआ, 10 उम्र से 80 उम्र तक ऑल एज ग्रुप वॉज इन्वॉल्व इन दैट, और इतना इन्वॉल्वमेंट हुआ, और जो स्टेज वो चाहता था, रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, वो स्टेज पे पहुंच गया। केवल अकेला वो रिच नहीं हुआ, अमीर अकेला नहीं हुआ, उसके साथ जितने लोग फ्राइडे सैटरडे संडे बैठते थे वो सब उसके साथ रिच होते थे। ही डिड अ सेकेंड एक्शन and he became very riches, but a sustainable riches. अभी ये बारी आती है, आप अमीर हो सकते हो लेकिन सस्टेनेबल होना बहुत जरूरी है। एक पायदान तक आप पहुंचते हो लेकिन उस पायदान और शिखर तक रहना इज अ बिग टास्क। तो उसने क्या किया होगा इज अ क्वेश्चन। उस पायदान पे अपना जो मकाम है वो कंफर्म करने के लिए उसने कुछ तो किया है, वो क्या किया होगा? एनी सजेशन फ्रॉम योर साइड? आपके पास से कोई सजेशन? उसने दूसरा आइलैंड खरीदा। एक आइलैंड पे तो वो फ्राइडे सैटरडे संडे गेट टुगेदर होते थे, लेकिन वो जो सेकेंड आइलैंड था वो रेड कार्पेट आइलैंड था। अगर राजा के पास से आपको न्योता आता है तो कोई छोड़ेगा नहीं, एवरीवन इज वॉन्टिंग टू गो देयर। और वो सेकेंड आइलैंड उसने वो रेड कार्पेट आइलैंड बनाया, जहां पे बिजनेसमैन वर रेडी और बहुत उत्सुक रहते थे कि उससे कुछ आइडिया ले और उसकी आइडिया दे एट द एज ऑफ 50। और आपके लिए सबके लिए ये होमवर्क है, फाइंड आउट द नेम ऑफ दिस पर्सन, इज द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ ऑल्सो, सस्टेन्ड हिज रीचिंग
एब्सोल्युटली उसका जो अमीरी है उसने उसकी अमीरी को बरकरार रखा है, और न केवल खुद का बट उसके साथ जो भी बैठते उठते उसका भी. सो द गेट टूगेदर्स आर एक्चुअली मेड टू एक्सचेंज द आइडियाज. एक दूसरे को मिलना बहुत जरूरी है, ऑफलाइन इज वेरी मच रिक्वायर्ड, क्योंकि जब आप एक अमीर को देखते हो तो ही वैसे बनने की कोशिश करते हो, एक हाथ गुरु को देखते हो तो वैसे बनने की कोशिश करते हो. तो वही प्लेटफॉर्म आज डीएसएन ने हमको दिया है. हियर वी कैन मीट पीपल हु हैज इम्प्रूव देयर हेल्थ, इम्प्रूव देयर वेल्थ, देयर हैप्पीनेस, उनके पूरा परिवार उन्होंने अपग्रेड किया, एक लेवल से ऊपर तक वो पहुंचाया है. दिस इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म ऑफ डीएसएन, और आज हम सभी जो मिले हैं यहाँ पे इसी प्लेटफॉर्म के लिए कि हम खुद अमीर बने, और हमारे साथ जितने भी लोग हैं वो सब लोग हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस में अमीर बनते जाए. तो हम बनना चाहेंगे अमीर डेफिनेटली. खुद के लिए तालियां होनी चाहिए.